भाई साहब कल की 2898 मूवी की जब से न्यू रिलीज डेट पोस्टर अनाउंसमेंट हुआ है तब से एक कंट्रोवर्सी लगातार ट्रेंड पर चल रही है कि कल की 2898 ये मूवी हॉलीवुड की ड्यून मूवी की कॉपी होने वाली है। पहले ही बता दूं अब ये कौन अखंड महाचूतिया इंसान है जिसने भाई साहब अगर ड्यून मूवी देखी है तो कैसे बोल सकता है कि ये वो कल की 2898 की कॉपी होने वाली है, क्योंकि भाई ड्यून जो मूवी है वो फॉलो करती है इस्लामिक कल्चर को एंड कल की 2898 ये जो मूवी है ये फॉलो करती है हिंदू कल्चर को। हाँ, बहुत कुछ सिमिलरिटी है, डिस्टोपियन एरा की मूवी है, दैट्स वाई कि जो फॉर्मेट्स होने वाले हैं जो लगभग में लगभग सिमिलरिटीज होने वाली हैं वो रेगिस्तान, सहारा, मरुस्थल, ये वाला हिसाब किताब होने वाला है एंड वो जो मसीहा वाली हिसाब किताब है वो भी यहाँ पर होने वाला है। वही कल की 2898 फॉलो कर रहा है, वही ड्यून मूवी फॉलो कर रही है, लेकिन ये कह देना कि भाई फुल कॉपी होने वाली है ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ड्यून मूवी फुल फॉलो करती है इस्लामिक कल्चर को एंड कल की 2898 ये अपनी हिंदू एंशियंट कल्चर को फॉलो करती है, जहां पर एक भविष्यवाणी ये करी गई है कि कलयुग का जब अंत होगा, कली राक्षस का जो अंत होगा वो विष्णु का 10वां अवतार करने वाले हैं, ये इस चीज़ को फॉलो करते हैं स्ट्रांगली और यहाँ पर ये मिलने वाली है। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें जब बार बार सामने आई तो मन किया कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए, डिस्टिंग्विश करके बताना चाहिए अच्छी तरीके से कि भाई वो अलग है ये अलग है। तो अभी भाई साहब फुल होमवर्क करके आया हूँ, दोबारा से ड्यून मूवी देख के आया हूँ ताकि स्ट्रांगली पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता सकूँ यहाँ पर, और उन बेवकूफ़ों को ये बात का मुँह तोड़ जवाब मिल जाएगा कि भाई ये मूवी उसकी कॉपी नहीं होने वाली है कहीं से कहीं तक। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आप रेगुलर हैं तो एक लाइक एक सपोर्ट जरूर बनता है, और YouTube का एल्गोरिदम भी यही है कि भाई साहब अगर आपकी वीडियो को लाइक नहीं मिलेंगे तो YouTube बूस्ट नहीं करेगा, तो प्लीज अगर आपको पसंद आता है काम तो जरूर सपोर्ट करके जाना, जरूर लाइक देके जाना। बाकी शुरुआत करते हैं भाई, ड्यून फिर से कहूँगा ड्यून मूवी फॉलो करती है इस्लामिक कल्चर को एंड कल की 2898 ये मूवी फॉलो करती है हिंदू कल्चर को। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊँ इस कॉन्ट्रोवर्सी को शुरू करने से पहले, ड्यून मूवी जब ये अनाउंस करी गई थी ये करी गई थी सितंबर 2021 में, लेकिन उससे पहले कल की 2898 ये मूवी फरवरी 2020 में ही अनाउंस कर दी गई थी। तो पहला फैक्ट तो यही है कि भाई यहाँ से कोई हो ही नहीं सकता कंपैरिजन, कोई कॉपी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल की 2898 पहले ही अनाउंस कर दी गई थी। तो भाई साहब ड्यून मूवी की बात करें, उसकी कहानी की बात करें, तो ये फॉलो करती है मिडिल ईस्ट के कल्चर को, बहुत से ऐसे कल्चर लाइक इस्लामिक तो है ही उसमें, उसके साथ रशियन एंशियंट रशियन कल्चर को भी फॉलो करता है, एंशियंट ग्रीक कल्चर को भी इसमें दिखाया गया है, एंशियंट टर्किश कल्चर को भी दिखाया गया है एंड एंशियंट ईरानियन कल्चर को भी इसमें दिखाया गया है, तो बहुत सा मिक्सचर है ये ड्यून मूवी में। दूसरा, मूवी बेस है फ्रैंक हार्बर्ट की नोबल जो ड्यून के नाम से ही है, जहाँ पर बात करी गई है एक ऐसे प्लेनेट की जो फुल सहारा यानी फुल रेगिस्तान टाइप में ढल चुका है, क्योंकि वहाँ पर पानी बिल्कुल भी खत्म हो चुका है एंड वहाँ पर मिलता है एक स्पाइस नाम का खनिज जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एज फ्यूल इस्तेमाल करा जाता है इंटरगैलेक्सी में ट्रैवल करने के लिए, और जिसके पास ये खनिज है वो मोस्ट पावरफुल है, और इसी के आसपास पूरी मूवी की कहानी इसमें घूमती रहती है। मूवी में सद्दाम जो फोर्थ रूलर हैं जिसे पादिशाह करके दिखाया जाता है, इंट्रोड्यूस करा जाता है, पादिशाह वहाँ पर किंग यानी मेन जो चीफ रूलर होता है उसे बोला जाता है, हमारे यहाँ राजा महाराजा बोले जाते थे वहाँ पर पादिशाह, और जो ये वर्ड है वो इस्लामिक कल्चर को बिलोंग करता है। यहाँ पर जो मेन रूलर है सद्दाम वो कूटनीति ये खेलता है, दो जागीरदार घरानों को आपस में लड़ा देता है, हाउस ऑफ हार्थोनन एंड हाउस ऑफ एट्राडियस, एट्राडियस को फॉलो करता है मेन लीड पर जो हमें देखने को मिलेंगे, जिसका ओरिजिनेशन एंशियंट ग्रीक से है, पॉल जो मेन लीड पर हीरो हमें देखने को मिलेगा वो इस हाउस को बिलोंग करता है, इसको लीड करता है। बाकी दूसरा जो हाउस है हाउस ऑफ हार्थोनन, इसे मेन लीड पर है यहाँ पर बिरान व्लादिमीर हार्थोनन, जो बिलोंग करता है एंड ओरिजिनेट हुआ है एंशियंट रशियन इन्फ्लुएंसर से। बाकी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ की मूल निवासी पॉपुलेशन है वो है फरमान, एंड ये लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से अडॉप्ट हो चुके हैं एंड दे नोज वेरी वेल कि हाउ टू सर्वाइव इन दिस प्लैनेट। बाकी ड्यून यूनिवर्स यानी ड्यून मूवी की ही बात करें तो इसमें बहुत से ऐसे टर्म या फिर वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जो फुल बताते हैं कि ये इस्लाम कल्चर को ही फॉलो करते हैं, लाइक जो हज बार बार इसमें इस्तेमाल हुआ है जिसका सीधा मीनिंग होता है होली जर्नी, एंड उसके बाद होली वॉर के लिए इस्तेमाल करा जाता है जिहाद नामक वर्ड का बार बार, देन उसके बाद डांस स्टाइल के लिए फॉलो करा जाता है या फिर इस टर्म का इस्तेमाल करा जाता है अराकिस, जिसका सऊदी अरब या फिर अरब साइड में रक्स करके भी डिनोट करा जाता है इस वर्ड को, तो ये सारे वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल करे गए हैं जो फुल बताते हैं, पुष्टि करते हैं कि ये मूवी फुल इस्लामिक कल्चर को फॉलो करती है।
देन उसके बाद दो और ऐसे जबरदस्त टर्म हैं जो और ज्यादा पुष्टि करते हैं कि ये इस्लाम को फॉलो करती है, लाइक महदी, एक जो वर्ड है बार बार दिखाया जाता है, बताया जाता है मूवी के बीच में, जिसका मीनिंग होता है राइट गाइडेंस, यानी सही मार्गदर्शन करने वाला, इस टाइप का ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है। एंड जो मेन रूलर के लिए इस्तेमाल करा जाता है पादिशाह, एंशियंट पर्शियन टाइटल, जो हिस्ट्री में अगर नजर मारे तो एंशियंट तुर्की एंड एंशियंट ईरान, यहाँ पर अपने रूलर्स के लिए ये वर्ड पादिशाह बार बार इस्तेमाल करा जाता था, कुछ एक क्षेत्रों में जहाँ सुल्तान, कई जगह सुल्तान भी किया जाता था, लेकिन वहाँ पर पादिशाह इस्तेमाल करा जाता था। तो ऐसे इसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत से टर्म हैं जो पुष्टि कर सकते थे कि इस्लाम कल्चर को फॉलो करते हैं। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं बहुत से टर्म को लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन जो नॉर्मल रोजमर्रा की लाइफ में अगर आप हिंदू हो और आपने ये चीज़ नहीं भी सुनी होगी तो नॉर्मली ये चलता है आसपास, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे वर्ड हमें कई बार सुनने को मिलते हैं। बाकी अपने कल की 2898 मूवी की बात करें तो ये फॉलो करता है फुल, अगेन मैं फिर कहूँगा, हिंदू कल्चर को, जहाँ पर अगर उप पुराण, कल की पुराण की बात करें जो पौराणिक ग्रंथों में से एक है, लेकिन उप पुराण में ये कंसीडर करा जाता है, तो यहाँ पर 10वें अवतार यानी विष्णु के 10वें अवतार की अच्छी खासी तरीके से विस्तार पूर्वक बताया गया है। दूसरा, अगर विष्णु के ही अवतार के बारे में बात करें तो श्रीमद भगवत महापुराण में जहाँ पर सारे विष्णु के जो जितने भी 10 अवतार हैं उनके बारे में विस्तार तरीके से बताया गया है, वहाँ पर स्कंद 12 में अध्याय 2 में कल्कि के बारे में जो भविष्यवाणी करी गई थी उसके बारे में, उस अवतार के बारे में पूरी अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो भाई अभी भी जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और अभी भी लोग जो ये मान के चल रहे हैं कि ये मूवी जो है फुल ड्यून मूवी की कॉपी होने वाली है, तो मैंने आपको सारे बातें बता दी, यहाँ पर सारे तथ्य बता दिए, आप डिस्टिंग्विश कर लेना कि ये फॉलो होने वाला है या नहीं होने वाला है। हाँ, एक आध चीज़ें तो फॉलो होंगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में ही कहा है कि डिस्टोपियन एरा को मूवी ये फॉलो कर रही है। दूसरा, जो VFX डिज़ाइन कर रही है DNEG कंपनी, वही कंपनी VFX डिजाइन करके गई थी ड्यून मूवी के लिए, वही कंपनी डिजाइन करेगी VFX इस मूवी के लिए भी। बाकी डिस्टोपियन एरा का फॉर्मेट सिंपल लगभग यही रहता है, रेगिस्तान मरुस्थल टाइप, जहां पर पानी कोई हमें देखने को मिलने वाला नहीं है। एंड कल की 2898 में भी ये चीज़ हमें पता लगे कि भाई पानी तो यहाँ पर लास्ट में साफ सफाया हो जाएगा, क्योंकि कली जो आएगा और कली का जो प्रचंड प्रहार होगा वो क्या करेगा, इंसानों की जो बेसिक नीड होती है हवा, पानी और रहना एंड खाना, ये सारी चीज़ें उनसे छीन लेगा। और वहाँ पर जब अश्वत्थामा का जो ग्लिम्स निकाला गया था, अश्वत्थामा के ग्लिम्स में अमिताभ बच्चन ने वो शिवलिंग पर जो पानी टप टप करके टपक रहा था वो वहाँ पर रुक जाता है और वो टच करके कहता है कि अब मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया। फिलहाल कल्कि 2898 इस मूवी से जुड़ी बहुत सी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, और भी विस्तार पूर्वक जानना है अश्वत्थामा के बारे में, जानना है आठ चिरंजीवी कौन कौन है, आठ चिरंजीवी का क्या क्या रोल होने वाला है कल्कि को बूस्ट करने के लिए, एंड तो मैंने बहुत सी आगे की वीडियो में बात कर रखी है, तो जाके जरूर देख लेना, चैनल विजिट कर लेना अगर जानने का मन हो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने का मन हो तो। फिलहाल भाई साहब मूवी तो फुल कॉपी नहीं होने वाली है डेफिनेटली, बाकी मूवी के लिए बहुत वेट है। एंड इंडियन सिनेमा की कल्कि 2898 ये मूवी भाई इंटरनेशनली इतिहास तो लिखने वाली है, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवी को टक्कर देने वाली है। बाकी टीजर के लिए वेट है, अगर टीजर आ जाता है तो और भी कुछ पता चल जाएगा कि मूवी में आखिर मिलने क्या वाला है। बाकी अगर आपको और भी जिज्ञासा है कल्कि के अवतार के बारे में तो इस पर एक विस्तार पूर्वक वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इस पर ले आऊँगा, अगर आपको जानने का और भी इच्छा हो। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।